नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मनीष खारी। आपका अपने YouTube चैनल हेल्दी सब्सक्राइबर्स पर स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे होम्योपैथी की एक पेटेंट दवाई के बारे में, जिसका नाम है REPL 6 नंबर। इस वीडियो में हम इस दवाई के बारे में जानेंगे कि किन बीमारी में से हम पेशेंट को देते हैं, लेने का सही तरीका क्या होता है। जानने के लिए वीडियो पूरा देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियो से आप अपडेटेड रहें। REPL 6 नंबर को हम अपेंडिक्स में आई सूजन में देते हैं, या इसमें हुए इन्फेक्शन के कारण अगर पेशेंट को दर्द हो, कॉन्स्टिपेशन हो, लॉस ऑफ एपिटाइट हो, यानी पेशेंट को इसमें बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा हो, जिसके कारण कई बार वोमिटिंग जैसे सिम्टम्स देखने को मिलते हों, पेशेंट को भूख नहीं लगती हो, ऐसी कंडीशन में ये दवाई हम पेशेंट को देते हैं। अपेंडिक्स हमारी जो बड़ी आंत होती है उससे जुड़ी एक पाउच होती है, जो गुड बैक्टीरियाज को स्टोर करती है। कई बार इसमें इन्फेक्शन हो जाता है, जिसके कारण ये सूज जाती है, इन्फ्लामेशन आ जाती है, पस फॉर्मेशन हो जाती है। ऐसी कंडीशन में अगर पेशेंट को REPL 6 नंबर दी जाए तो काफ़ी राहत मिलती है। दोस्तों, कई बार पेशेंट को अपेंडिक्स में इतना ज़्यादा दर्द हो जाता है कि उसको ऑपरेशन कराना पड़ता है। ऑपरेशन में क्या होता है कि पेशेंट की जो अपेंडिक्स होती है वो बाहर निकाल दी जाती है, कि बिना पेशेंट का काम चल जाता है। यानी ये इतना ज़रूरी ऑर्गन नहीं होता है हमारे शरीर के लिए। इसमें हम REPL 6 देकर पेशेंट को रिलीफ दे सकते हैं, अगर पेशेंट की कंडीशन एक्यूट है और दर्द सहनीय है। REPL 6 के कंपोजिशन की बात करें, नहीं कौन सी होम्योपैथी इसमें मेडिसिन्स डाली गई हैं। पहली दवाई इसमें कोलोसिंथ डाली गई है, जो कि दर्द के लिए बहुत इफेक्टिव रहती है। पेशेंट को ऐसी सेंसेशन होती है कि पेट में पत्थर रखा हुआ है, इसके लिए ये दवाई हम पेशेंट को देते हैं। ये दवाई इसमें डाली गई है। अगली दवाई इसमें मैगफोस डाली गई है। ये दवाई पेट दर्द के लिए बहुत असरदार होती है। साथ ही अगर पेशेंट को गैस्ट्रिक ट्रबल हो, गैस ज़्यादा बनती हो, जिसके कारण दर्द बहुत रहता हो, तो उसमें असरदार रहती है। अगली दवाई इसमें ब्रायोनिया है, दर्द के लिए ये दवाई बहुत असरदार रहती है। साथ ही अगर पेशेंट को कब्ज होती हो, कब्ज को भी ठीक करती है। इसके अलावा टेंडरनेस में भी ये दवाई हम पेशेंट को देते हैं। जब पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन हो और टेंडरनेस हो तो ये दवाई असरदार रहती है। अपेंडिक्स में अगर पेशेंट को इन्फेक्शन हुआ हो, अगली दवाई है इसमें बेलाडोना डाली गई है। अगर पेशेंट को हल्का सा टच कर दिया जाए तो पेशेंट का दर्द बढ़ता है, टेंडरनेस बढ़ती है, ऐसे में ये दवाई बहुत असरदार रहती है। अगली दवाई इसमें डायस्कोरिया डाली गई है। ये दवाई ग्रिपिंग और क्रैम्पिंग पेन में पेशेंट को दी जाती है, जब पेट में ऐसा दर्द हो जिसमें क्रैम्प्स पड़ते हों। इसके अलावा इसमें लाइकोपोडियम डाली गई है। लाइकोपोडियम तब ज़्यादा असरदार रहती है जब पेशेंट को पेट के निचले हिस्से में, यानी लोअर एब्डोमेन में दर्द बहुत ज़्यादा हो, गैस्ट्रिक ट्रबल भी साथ में देखने को मिलता हो, भूख की शिकायत हो, यानी पेशेंट को भूख नहीं लगती हो, वोमिटिंग जैसे सिम्टम्स आते हों, तो इसमें ये दवाई बहुत असरदार रहती है। दर्द को भी ठीक करती है और इन दिक्कतों को भी ठीक करती है। ऐसी इसमें और भी काफ़ी सारी दवाइयाँ डाली गई है, जैसे आयरिस। हम डोजेस की बात कर लेते हैं। वैसे तो अगर आपको अपेंडिक्स की शिकायत है तो एक बार अपने होम्योपैथी डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर लें, क्योंकि दवाइयाँ काफ़ी सारी होती हैं। पेशेंट की कंडीशन या सिचुएशन देख कर ही दवाई सही दी जाती है। इसकी जो कॉमन डोज होती है वो दिन में 5 से 10 बूंदें इसकी थोड़े पानी में डालकर 3 से 4 बार दें। खाना खाने के पहले भी दे सकते हैं, खाना खाने के बाद भी दे सकते हैं, लेकिन मैं सलाह दूंगा कि एक बार अपने होम्योपैथी डॉक्टर से ज़रूर मिलें, नहीं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि हमारी वीडियोज़ आपको कैसी लगती हैं। थैंक यू।